हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैं दीपा सिंह, आज मैं यहाँ पे आपको बताने वाली हूँ जो सिंगल बेड सीट है उसके थ्रू आप कैसे सोफ़े के कवर बना सकते हैं बड़ी ही आसानी से। तो यहाँ पे देखिए, ये मेरे पास है, सिंगल बेड सीट है ये, मतलब थोड़ा अच्छी है ये, ब्राइटेड है, बहुत प्यारी सी है। तो मैं इसको इसी सोफ़े में यूज़ करती थी, तो अभी मैं इसके मतलब जो चार मेरे सोफ़े हैं इनके भी कवर बना दूंगी। जैसे कि आपको दिख रहा होगा, ये थोड़ा सा ख़राब हो गया क्योंकि इसमें कवर यूज़ नहीं हुआ है इसकी वजह से। तो जो यहाँ पे बेडशीट रखी उसी का बनाऊंगी। एक इस तरह की भी है मेरे पास, देखिए ब्लू कलर की एंड रेड कलर की, तो मैं रेड कलर वाली से बना रही हूँ क्योंकि इसका लुक थोड़ा काफ़ी अच्छा है। और ये वैसे ज़्यादा पुरानी तो नहीं है, लेकिन यूज़ ये इसीलिए मैं करती हूँ ताकि सोफ़े के कवर मेरे ख़राब ना, ये जो सोफ़ा है ख़राब ना हो। तो फाइनली अभी मैं सोच रही हूँ कि इसका ही कवर बना देती हूँ। वैसे इसका लुक काफ़ी प्यारा है, ब्राइट कलर की है ये, मैरून कलर की है और गोल्डन कलर की इसमें कढ़ाई की हुई है और बहुत ही प्यारी है ये जो बेड शीट है भी बहुत प्यारी। तो मैं इसको सोफ़े के लिए यूज़ करती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलिए इसके सोफ़े के कवर बना देती हूँ। तो उसके लिए पहले मैं इसकी नाप ले रही हूँ, एग्जैक्ट नाप की इसको कितना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे नाप मैंने ले ली है आपको जैसे कि दिख रहा होगा वीडियो में। अब मैं इसको जा रही हूँ फाइनली कट करने के लिए नाप लेके। तो मैंने देखिए नाप लेके इसको कर लिया है कट, मतलब हाफ कट कर लिया है इसका, हाफ वाला पोर्शन जहाँ पे मैं कट करी थी। अब मैं दूसरे वाले की भी नाप ले रही हूँ। ये वाला जो है ये थोड़ा बड़ा है, ये वाला सोफ़ा, तो ये इसका दोनों ये मैचिंग जैसे बन जाएंगे तो काफ़ी प्रिटी लगेंगे। तो ये भी इसी तरह की बेडशीट है, तो मैं इसमें इसको लगा के देख रही हूँ कि कितना मुझे नाप लेना है एग्जैक्ट। तो ये देखिए, ये भी इसमें मतलब इसमें इसको भी बिछाती थी मैं ताकि सोफ़े जो है मेरे गंदे ना हो। तो अगर आप रेंटल अपार्टमेंट में रहते हैं या अलग अलग जगहों में रहते हैं तो इसलिए ज़्यादा सामान परचेस नहीं किया जा सकता क्योंकि कैरी करने में काफ़ी ज़्यादा प्रॉब्लम आ जाती है। तो नाप मैंने ले ली है उसके अकॉर्डिंग, अब मैं इसको कट कर ले रही हूँ क्योंकि ये एग्जैक्ट हाफ हाफ नाप के हैं। तो मैं इसको हाफ हाफ करके, देखिए ये एक पोर्शन जो है कट करके ये बच गया है मेरा हिस्सा। तो और बाकी ये जो दो हैं, ये दो सोफ़ा कवर जो है मेरे तैयार हो गए हैं। अब मुझे फाइनली करनी है इसमें स्टिच। तो एक तो देखिए मैंने बिछा लिया है, मैंने स्टिचिंग कर ली है इसमें कट करने के बाद। अब मैं इसमें स्टिचिंग करने जा रही हूँ, दिख रहा होगा, क्योंकि अगर मैं स्टिच नहीं करूँगी तो ये खुल जाएगा। तो मैं इसमें ज़िगज़ैग स्टिच कर रही हूँ। तो जो मेरे पास मशीन है, देखिए इसमें ये सी वाला पोर्शन है और ये ज़िगज़ैग मैंने इसमें फ़िटिंग कर दी है क्योंकि इसमें सेटिंग करनी पड़ती है। तो आपको दिख रहा होगा ये इसमें सारी ज़िगज़ैग फ़िटिंग करी हुई है मैंने ताकि बिल्कुल खुल, मतलब अगर मैं इसको वॉश भी करूँ तो खुले नहीं। ज़िगज़ैग स्टिचिंग से क्या होता है, खुलता नहीं है आपका जो भी कपड़ा होता है। तो मैंने इसके तीनों किनारों में स्टिचिंग कर ली क्योंकि एक किनारा तो ऑलरेडी पहले से स्टिच था तो उसको स्टिच करने की ज़रूरत नहीं थी। मतलब दो पोर्शंस में मैंने इसकी स्टिचिंग करी है। तो अभी मैं इसको देखिए लगा देती हूँ और अभी आप देखिए कितने अच्छे से ये बिल्कुल सेट हो जाएगा, जस्ट लाइक सोफ़ा कवर। और क्यूट भी है ये, मतलब इसका जो ये बेडशीट है काफ़ी हैवी वाली बेडशीट है ये, तो इसमें फिट आ जाएगी। और इससे होगा क्या कि मेरे जो सोफ़ा है ना वो गंदे भी नहीं होंगे और प्यारे भी बहुत लगेंगे क्योंकि मैचिंग सा एक लुक आ जाएगा इसमें। तो देखिए यहाँ पे मैं इसको फिट कर रही हूँ, देख रही हूँ मैं कि किस तरह से इसको फिट किया जाए। तो फाइनली मैंने देखिए इसकी फिटिंग कर ली है और बिल्कुल कितना साफ, मतलब कोई भी इसमें ना बच्चे कूदे होंगे तो निकलेगा नहीं क्योंकि मैंने चारों तरफ से फंसा दिया क्योंकि मैंने थोड़ा सा ज़्यादा पोर्शन लिया था इसके सेटिंग करने का। और ये भी देखिए इसमें भी एग्जैक्ट फिट आ गया ये, तो दोनों मेरे हो गए हैं मैचिंग सोफ़ा कवर। अब यहाँ पे ये देखिए तो मेरे मैचिंग सोफ़ा कवर हो गए हैं। अब मैं यहाँ पे पिलो को थोड़ा सा एडजस्ट कर देती हूँ। जो ये पिलो कवर है ये भी काफ़ी ज़्यादा मैच हो जाता है, मतलब मल्टी कलर है ये, और बाकी जो दूसरे बड़े वाले हैं वो भी मल्टी कलर हैं अलग अलग, तो वो भी सब में मैच हो जाते हैं तो काफ़ी प्रिटी लगते हैं ये। अब ये जो टुकड़ा बचा है इसका मैं बनाने जा रही हूँ, जो मेरे बाकी के दो बाकी जो केन वाले सोफ़ास बाहर रखे हैं ना, दो सिंगल वाले, तो उनके लिए बनाने जा रही हूँ। तो उसके लिए मैं ये इसमें फिटिंग आ रही है तो इसलिए मैं यहाँ पर इसको करने जा रही हूँ कट। और यहाँ पे देखिए कट कर लिया, ये मेरे पोर्शन बनके तैयार हो गए दो। तो मैं इसको यहाँ पे इस तरह से पेस्ट करूँगी क्योंकि ये वाला पोर्शन थोड़ा बच, मतलब यहाँ पे बच रहा है, तो इसलिए मैं यहीं पे इसको पेस्ट कर दूँगी। इसमें भी मैं ज़िगज़ैग ही करूँगी ताकि मतलब वो ना हो। तो ये मैंने देखिए एक सेट कर लिया है
और अब मैं इसको बिछाने जा रही हूँ सोफ़ा में। तो एक देखिए मैंने बिछा दिया है ये, और दूसरा अभी मैं इस सोफ़े में बिछा दूंगी। तो ये देखिए अब ये इनका लुक काफ़ी प्रिटी आ रहा है, और जो गद्दे हैं मेरे बिल्कुल भी ख़राब नहीं होंगे फ्रेंड्स। तो ये था आज का DIY ओल्ड बेडशीट के थ्रू। तो अगर आपको पसंद आया हो ये वीडियो तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, शेयर करें एंड हिट द बेल आइकन फॉर नोटिफिकेशन। एंड थैंक्स फॉर द वॉचिंग माई वीडियोस। और आपने प्यारे प्यारे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि वीडियो आपको कैसा लगा। तो तब तक के लिए टाटा बाय, एंड आई हैव अ ग्रेट डे टू ऑल माई YouTube फ्रेंड्स एंड फैमिली।